हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिसेस। ये जो है वो क्लास ट्वेल्थ का है, वो भी बिहार बोर्ड का है। तो अगर तो सबसे पहली चीज़ है कि मैट्रिक्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आप मैट्रिक्स का प्रॉब्लम आसानी से बना सकते हैं। केवल और केवल आपको आना चाहिए जोड़, घटाव और गुणा। ये तीन चीज़ तो हर किसी को आता है, तो ये तीन चीज़ का कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप मैट्रिक्स का कोई भी प्रॉब्लम आराम से बना सकते हैं, अप टू क्लास ट्वेल्थ लेवल का। आगे का हायर स्टडी में तो ये बहुत ज़्यादा यूज होता है मैट्रिक्स। मैं हायर स्टडी की बात नहीं कर रही हूँ, अप टू क्लास ट्वेल्थ आप आराम से बना सकते हो अगर आपको एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन आता है और मल्टीप्लीकेशन आता है। तो ये तीन चीज़ का यहाँ पर ज़्यादा यूज होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा की इसकी बात करें, तो ये तो हर बुक में दिया हुआ रहता है। होता क्या है, ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। ये क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, इस तरह का बॉक्स होता है। आप देखेंगे तो ये क्या होगा, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जिसके अंदर क्या होता है, नंबर्स होता है और फंक्शंस होता है। यानी एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जिसके अंदर नंबर्स और फंक्शंस होता है। फंक्शंस ले लेते तो ट्रिगो फंक्शन हो गया, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, कोई भी फंक्शन होता है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ट्रिगो फंक्शन, एलजेब्रिक फंक्शन, कोई भी फंक्शन अंदर में हो सकता है या फिर कोई भी एलिमेंट्स आपका हो सकता है, 1 2 3 4 कोई भी नंबर्स भी आपका यहाँ पे हो सकता है इसे रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर। और जो नंबर और फंक्शन जो इसके अंदर होता है वो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं या फिर उसको एंट्री बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखते हैं, ज़्यादा इसमें तामझाम है नहीं, आपको सिंपल वे में समझेंगे स्टेप बाय स्टेप तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो इस तरह का बॉक्स होता है। एक चीज़ में कन्फ्यूजन होता है लोगों को, मैट्रिक्स में और डिटर्मिनाट में। तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग चीज़ है। डिटर्मिनाट जो होता है वो क्या होता है, सिंपल पैरेलल लाइन होता है। ये पैरेलल लाइन जो हो गया वो डिटर्मिनाट हो गया, और मैट्रिक्स जो हो गया वो बॉक्स हो गया। इस तरह से मैट्रिक्स हो गया, ये बॉक्स हो गया। तो दोनों में अंतर क्या है वो हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे, आज हम लोग केवल और केवल मैट्रिक्स के बारे में समझेंगे। ये केवल इंट्रोडक्शन वीडियो है, ज़्यादा कुछ इसमें हम लोग पढ़ेंगे नहीं। तो ये देखिए, ये हो गया मैट्रिक्स। इस तरह से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, इस तरह से रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्स को रखते हैं। तो कोई भी एलिमेंट्स आप ले सकते हैं, एलजेब्रिक एलिमेंट्स, कोई भी फंक्शन ले सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है इसमें पढ़ना होता है दो ही चीज़, एक होता है रोज और एक होता है कॉलन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अगर इस तरह से एक मैट्रिक्स बनाए हैं और यहाँ पर हम लोग कोई एलिमेंट्स लिखते हैं, सपोज 1 2 3 4 5 6 इस तरह से दो ही रखते हैं, तो ये क्या हो गया, एक सबसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो गया। देखिए ये क्या है, रेक्टेंगुलर है, 3/2 है। तो जो वर्टिकल लाइन होता है ये क्या मेरा कहलाता है, वर्टिकल लाइन, मतलब खड़ी लाइन, इस तरह का लाइन, इस तरह का लाइन क्या मेरा कहलाता है, वर्टिकल लाइन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलन बोलते हैं, और डिनोट करते हैं इसको सी से, इसको हम लोग कॉलन बोलते हैं। और जो हॉरिजेंटल लाइन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। इस तरह का जो लाइन होता है उसको हम लोग रो बोलते हैं, इसको हम लोग कॉलन बोलते हैं। तो इस चीज़, ये दो चीज़ हम लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रो और कॉलन। सबसे पहले आता है रो, उसके बाद होता है कॉलन। रो को डिनोट करते हैं आर से, कॉलन को डिनोट करते हैं सी से। और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक सफिक्स लगा रहता है कोई भी मैट्रिक्स में, तो उस वो होता है रो इज टू कॉलन। यानी यहाँ पे नंबर ऑफ रोज क्या है, 2 एंड नंबर ऑफ कॉलन 3, तो 2/3 मैट्रिक्स। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, 2/3 मैट्रिक्स। अगर नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, तो अगर हम लोग इसी को उलट कर लिख लेते हैं, सपोज 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो गया मेरा, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स जो क्या हो गया वो चेंज हो गया, नंबर ऑफ रोज भी क्या हो गया, चेंज हो गया। नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें हो गया 2, नंबर ऑफ रोज हो गया 3। ठीक है, ये कॉलन हो गया और ये रोज हो गया, तो ये कॉलन हो गया, ये रोज हो गया। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, नंबर ऑफ रोज पहले लिखते हैं और नंबर ऑफ कॉलन बाद में लिखते हैं। तो ये हो गया 3/2 मैट्रिक्स, ये हो गया 2/3 मैट्रिक्स। तो सब मैट्रिक्स क्या है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसके अंदर हम लोग एलिमेंट्स को लिखते हैं, फंक्शन को लिखते हैं, नंबर को लिखते हैं, ये सारी चीज़, ये सब चीज़ हम लोग मैट्रिक्स के अंदर लिखते हैं। और मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट करते हैं कोई कैपिटल लेटर से, जैसे ये एक मैट्रिक्स है तो हम लोग इसको कैपिटल लेटर ए से डिनोट कर सकते हैं। ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ये हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। इसका जो सफिक्स होता है ये कहलाता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इसको हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। तो कैसे होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलन। यहाँ पे ये क्या है, नंबर ऑफ रोज है, ये है नंबर ऑफ कॉलन, मतलब ये 3/2 मैट्रिक्स है, ये 2/3 मैट्रिक्स है। तो यही है इंट्रोडक्शन ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हम लोग अगर जाते हैं कैसे हम लोग समझेंगे मैट्रिक्स, कोई भी चीज़ को
अरेंज करके रखना, रो और कॉलम में रखना क्या कहलाता है, मैट्रिक्स। जैसे हम लोग लाइब्रेरी में जाते हैं तो लाइब्रेरी में क्या होता है, बुक को क्या करता है, अरेंज करके रखा हुआ होता है, कहाँ पे फिजिक्स है, कहाँ पे केमिस्ट्री है, कहाँ पे मैथमेटिक्स है, या फिर कोई भी साइंस का आर्ट्स का सब जो बुक है वो कहाँ कहाँ पे रखा हुआ होता है, एक अरेंजमेंट के साथ रखा हुआ रहता है, और वो रो में ये फिर रहता है या फिर कॉलम बना के रखा हुआ रहता है, तो वो लाइब्रेरियन को पता होता है आप मांगेंगे कोई भी बुक तो वो झट से लाकर दे देगा। वही चीज़ इसमें यूज होता है, आपको कौन सा एलिमेंट आपको उठाना है यहाँ पे आपको पता करना, कौन सा एलिमेंट आपको चाहिए, आप उसको डिनोट, उसका नोटेशन होता है तो आप तुरंत वहाँ उसको आप पता कर सकते हैं। उसी तरह से जैसे लाइब्रेरी में बुक जो होता है वो अरेंज किया होता है, उसी तरह से यहाँ पे भी होता है, एलिमेंट्स जो होता है वो अरेंज किया हुआ रहता है, हम लोग झटपट जाके उस एलिमेंट्स को उठा लेते हैं जिसकी हम लोगों को ज़रूरत होती है। जिस तरह से हम लोग, उसी तरह दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं तो वो है सुपरमार्केट का। सुपरमार्केट में भी अभी देखते हैं सारा चीज़ जो होता है वो एक जगह अरेंज किया हुआ रहता है, सेल्फ में अरेंज किया हुआ रहता है, हम लोग जाते हैं झट से सामान को कहाँ पे क्या रखा हुआ है लेकर आ जाते हैं, तो वही चीज़ हो जो कहलाता है वो मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ द मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में कौन सा रो कहलाता है, कौन सा कॉलम कहलाता है, क्या रो होता है, कौन सा कॉलम होता है, कितने नंबर ऑफ रोज होते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो सिंपल सा ये इंट्रोडक्शन पार्ट था, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सिंपल ये इंट्रोडक्शन वीडियो था, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दे, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।